1935 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपनी मजबूत कदकाठी और एक्शन के लिए हीमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे हैं। अपने फिल्मी सफर की शुरुआत धर्मेंद्र ने 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, गुलामी, मेरा गांव मेरा देश, नौकर बीवी का, आई मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। धर्मेंद्र को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। 1946 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार शर्मिला को सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार में काम करने का मौका मिला। सावन की घटा फिल्म में शर्मिला ने छोटे कपड़े पहनकर फिल्म जगत में सनसनी मचा दी थी। अनुपमा, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, सत्यकाम, तलाश, सफर, अमर प्रेम, छोटी बहू, अमानुष, चुपके चुपके, मौसम, नमकीन, एकलव्य आदि शर्मिला टैगोर की बेहतरीन फिल्में हैं। 1975 में रिलीज हुई फिल्म मौसम से शर्मिला को एक अलग पहचान मिली। शर्मिला अपने दौर की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार हैं। शर्मिला टैगोर को फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 1980 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में संगीत बैंड बीटल के मुख्य सदस्य जॉन लेनन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेनन को मार्क डेविड चैपमैन नाम के शख्स ने गोली मारी थी। डेविड चैपमैन खुद को लेनन का प्रशंसक बताता था। गोली मारने से पहले उसने लेनन से ऑटोग्राफ मांगा था। लेनन ने मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ दिया और चैपमैन के कंधे पर हाथ रखा। हंसी और हल्की फुल्की बातचीत के बाद ऑटोग्राफ लेने वाले 25 वर्षीय चैपमैन ने लेनन पर लगातार 4 गोलियां दाग दी। 1983 में आज एक दिन ब्रितानी उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन में पेश किया था, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे संचालित होता है और राजनीति की दिशा और दशा क्या है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन अमेरिका जैसे दुनिया के दूसरे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। और 1987 में आज ही के दिन विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने ऐसी पहली संधि पर दस्तखत किए जिसमें भूमि आधारित परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने का प्रावधान था। तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोरबाचोव और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक बैठक चली, जिसके बाद परमाणु हथियारों की संख्या घटाने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के मुताबिक मध्यम और कम दूरी के यूरोप स्थित सभी आणविक हथियारों को नष्ट करने की योजना थी। संधि के लागू होने पर 482 किलोमीटर से लेकर 5472 किलोमीटर तक मार करने वाली 1752 रूसी और 859 अमेरिकी मिसाइलों को 3 साल के भीतर नष्ट करने की योजना भी थी। इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने असंभव काम को संभव बनाने की कोशिश करार दिया, जबकि रूसी नेता गोरबाचोव ने इसे पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण संधि करार दिया।